आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट 15 सेंटीमीटर कॉमा 0.0 इफ द रिंग इज प्लेस्ड ए पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। रिंग कहाँ पे रखा हुआ है? पैरेलल टू वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है, विथ सेंटर एट द ओरिजिन एंड मेटालिक रिंग, एंड अ मेटालिक रिंग विथ चार्ज 0.02 माइक्रोकूलम मैड फ्रॉम ए वायर ऑफ 10 लेंथ 10 12 सेंटीमीटर। मतलब कि हमारे पास रिंग है ना, और रिंग कैसे रखा हुआ है, वो हमें वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है। तो सपोज करते हैं कि हमारा ये रिंग जो है वो इस प्रकार से हमारा एक वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्सिस की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हमारा एक्सिस होगा। तो प्लेन हमारा किस में रखा हुआ है? वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है। तो यानी कि हमारा इसको हम क्या लेंगे, वाई, इसको हम क्या लेंगे, जेड, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्लियर है। तो ये जो हमारा रिंग इस प्रकार से रखा हुआ है वाई जेड प्लेन में, तो सामने की ओर हमारा कौन सा डायरेक्शन होगा, एक्स डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो गिवन है कि ये कहाँ पे रखा हुआ है हमारा ओरिजिन पे, मतलब 0.0.0, और हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पे निकालना है, निकालना है 15 सेंटीमीटर कॉमा 0.0 पे निकालना है, ठीक है। तो बताना है कि इसकी इस पे यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा। तो पोटेंशियल आपको पता है कि जब हम किसी रिंग की एक्सिस पे पोटेंशियल की वैल्यू निकालते हैं, किसी रिंग की एक्सिस पर क्या निकालते हैं, पोटेंशियल की वैल्यू निकालते हैं, तो इसका जो ए वाला दूरी होता है, डायगोनली दूरी होता है, वही हमारे क्या होता है, पोटेंशियल के लिए होता है। उसकी वैल्यू क्या होती है, वो हमारे के क्यू अपॉन आर होती है। अगर हम इसमें चार्ज किया क्यू, तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर होगा, ठीक है। और हम आर कैसे निकालते हैं, इसका जो रेडियस होता है, सपोज करते हैं रेडियस की वैल्यू क्या है, कैपिटल आर, ये दूरी क्या है हमारा एक्स, तो यहाँ पे जो हमारा स्मॉल की वैल्यू हमारी क्या आती है, वो होता है हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता है, ठीक है। अब इसमें एक हमें एक और चीज़ की बनना है कि ये हमें, ये जो हमारा रिंग है वो हमें किससे बना रहे हैं, उसको हम 12 सेंटीमीटर लेंथ के एक रॉड से या वायर से बना रहे हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास पहले वो रिंग किस प्रकार से था, वो रिंग हमारे पास इस प्रकार से था, जिसकी लंबाई कितनी थी, 12 सेंटीमीटर थी। इसकी लंबाई कितनी थी, 12 सेंटीमीटर थी। यानी कि इसका जो पेरीमीटर होगा इस रिंग का, वो हमारे पास इस लेंथ के, इसके लेंथ के इक्वल होगा, क्लियर है। यानी हमारा 12 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2πr होगा, ठीक है। हम इसको क्या माने, कैपिटल R मान लेते हैं, इसका रेडियस क्या मान लेते हैं, कैपिटल R, तो अभी क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें इसकी R की वैल्यू क्या मिल जाएगी, वो हमें मिल जाएगी 6/π सेंटीमीटर मिल जाएगा, ठीक है, 6/π सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो अगर हम इसमें वो फॉर्मूला को जब हम यूज करेंगे, तो यहाँ से हमें स्मॉल r जो होगा, ये जो हमारा स्मॉल r इस प्रकार से आएगा, है ना, और ये हमारा क्या है, ये डिस्टेंस हमारा x है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो इससे हमें स्मॉल r की वैल्यू क्या मिलेगी, जो हमारा स्मॉल r की वैल्यू होगी वो हमारी हो जाएगी r इक्वल्स टू रूट अंडर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस कैपिटल R का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके हमें कैपिटल x की वैल्यू क्या होगी, 15 सेंटीमीटर, x की वैल्यू क्या होगी हमारी 15 का स्क्वायर, और r हमारा क्या गिवन होगा, 6/π का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दूरी हमारा क्या है, दोनों x में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी हमारा x में, सॉरी सेंटीमीटर में, तो भी हमारा क्या आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। और हम पोटेंशियल क्या निकाल सकते हैं, बी इक्वल्स टू के क्यू बाई आर से निकाल सकते हैं। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन स्मॉल आर, है ना, हम सारी वैल्यू को पुट करके यहाँ से निकाल सकते हैं, वी की वैल्यू वी, तो के हमारा क्या होता है, 9×10⁻⁹, क्यू हमारा कितना गिवन है, 0.02×10⁻⁶ कूलम, अपॉन आर की वैल्यू क्या है, वो हमारा है रूट अंडर, अगर इसको हम ऐसे लिखे तो 15 का स्क्वायर प्लस 6/π स्क्वायर, चूँकि हमें किसमें दूरी, किसमें सेंटीमीटर में, इसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमने सारे कुछ क्या रखा है, MTS में यूज किया है। तो इससे हमारे पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो हमारी आएगी 1.19×10⁻³ वोल्टेज आ जाएगा। यानी कि उस रिंग के द्वारा उसके एक्सिस पे कितना पोटेंशियल आएगा, जिसकी दूरी क्या है 15 सेंटीमीटर, वहाँ पे क्या जाएगा, 1.19×10⁻³ वोल्ट होगा, क्लियर है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।